तकरीबन 7 से 8 माह के बाद दोबारा मैं ट्राई करने लगा इसको। तो पीते हैं और आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं क्या सीन है इसका। अस्सलाम वालेकुम जी, तो वेलकम है आप सबका एक न्यू फूड ब्लॉग में। तो जी हाँ, सबसे पहले आप सबसे बहुत ज्यादा माजरत, लॉन्ग टाइम नो सी मैं जानता हूँ। तो जी रीजन कुछ यूँ थे कि आपका भाई बिजी हो गया था अपने ही कुछ कामों में। यार वेदर चेक करो इस वक्त, बहुत ही जबरदस्त किस्म का वेदर है, पीछे आप बादल वगैरह देख सकते हैं। तो जी हाँ, तो आज मैं आपका भाई मौजूद है इस वक्त बनू बी पुलाव के बाहर। उसका सीन कुछ यूँ है कि ये वो जगह है जहाँ से आपके भाई ने फूड ब्लॉगिंग शुरू की थी। तो यहाँ पर दोबारा आने का मकसद तो कोई नहीं, सिर्फ यही था कि हमारे एक बहुत प्यारे भाई अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं जलालपुर से इस वक्त, तो उनको ये चीज़ें ट्राई करवाएंगे गुजरात का फूड। इस वक्त तो हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमसे। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, क्या वालेकुम जी, ठीक ठाक, कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज हम आए थे जी बीफ खाने, हमने कहा जरा पुलाव चेक करते हैं। भाई अहमद हमें कल कर रहे थे 10-15 दिन से तकरीबन हमारा रास्ता हो रहा था और यही चल रहा था कि कल आएंगे परसों आएंगे, तो आज फाइनली जी हमारा मीटअप हो गया और आज हम ये चेक करेंगे जी। जी हाँ, तो जैसा कि आप सबको थोड़ा सा इंट्रो देता चलूँ कि ये अब्दुल्ला भाई हैं जलालपुर से, आपका भाई करता है फूड ब्लॉगिंग, तो अब्दुल्ला भाई करते हैं बेसिकली डेली ब्लॉगिंग। इनके चैनल का मैं जो नाम वगैरह है लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो जाकर इनके चैनल को भी चेक करेंगे। तो तब तक आज का मेन मकसद इस पर डिटेल रिव्यू नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ बनू बी पुलाव पर डिटेल। तो आज का जो सीन है वो ये होगा कि हम जाएंगे अब्दुल्ला भाई को ये ट्राई करवाएंगे और इनका रिएक्शन देखेंगे कि कैसा रिएक्शन है इनका। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं, हर जाकर सीन चेक करते हैं। देखने में तो मजे का लग रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि खाया तो पहले है लेकिन इनका जरा स्टाइल वाला लग रहा था, ये जो इस टाइम उन्होंने कटिंग की है ना पीसीस की, तो ये मुझे ना थोड़ा सा मजे का लग रहा है, खा के देखते हैं क्या टेस्ट आता है इसके बाद। चला जी, अच्छा जी, तो सीन कुछ हुआ क्या अब्दुल्ला भाई को आप ट्राई करवाना है, ये देखते हैं इनको कैसा लगता है, क्या सीन बताते हैं इसके बारे में। तो जी चले अब्दुल्ला भाई ट्राई करें पहले। मैं कहता हूँ जी, नहीं पहली बाइट में ही मुझे तकरीबन पता चल गया जो मीट है ना उसका टेस्ट बहुत आया, बिल्कुल जूसी सा मीट था तकरीबन, और चावल भी बिल्कुल नरम से, बहुत मजेदार। अभी मजीद खाते हैं जी। हाँ जी, तो आप ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको रिव्यू अगेन। तकरीबन 7 से 8 माह के बाद दोबारा मैं ट्राई करने लगा इसको, डाइट पे था आपका भाई, यार समझा करो। ओए हो यार, इसका टेस्ट आज भी वही है जो आज से तकरीबन 7 से 8 माह पहले था, वही टेंडरनेस गोश्त की, वही लेवल पे यहनी वाले चावल। मैं कहता हूँ यार अगेन 10 out of 10। खैर मेरा तो ये रिव्यू था ही नहीं, ये तो था अब्दुल्ला भाई का, तो मैंने भी टेस्ट किया इसे, रिव्यू अगेन दे रहा हूँ। यार जबरदस्त चीज़ है, फुल टेंडर माहौल है। बाकी रश मैं आपको दिखाता हूँ बैक साइड पर करके, आप चेक कर सकते हैं बैक पे भी आपको रश नज़र आ रहा होगा। ऐसे धड़ाधड़ इनका पुलाव बिकता है, तकरीबन एक डेग आती है ऐसे 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 मिनटों में पुलाव जाता है इनका, तकरीबन ये खुलते हैं सुबह 9-10 बजे के करीब, लेकिन जो असल रश का लेवल शुरू होता है वो इस वक्त दोपहर में जोहर के वक्त या फिर जोहर के बाद असल जो पीक पकड़ता है। तो जी मैं आपको रश दिखाता हूँ, आप रश चेक करें और उतने में हम फिर खाएंगे फूड, इसको मजीद इन्जॉय करेंगे खाना और फिर मिलेंगे खाने के बाद। मे भी इसके बाद कुछ और प्लेसेज भी हो जाएँ, ये तो आप डिपेंड करता है कि अब्दुल्ला भाई क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि वो फूड ब्लॉगर नहीं है, क्योंकि फूड ब्लॉगर के 2 मेज़े होते हैं जैसे आपका भाई कहता होता है। बाकी चलिए रश देखो, हमें इजाज़त दें। A few moments later. तो जी हाँ गाइस, खाना खा कर बाहर निकले ही हैं, जैसे बनू भी पुलाव अब्दुल्ला भाई को ट्राई कराया, बाहर निकले तो बड़े लेवल की बारिश शुरू हो गई है यार, बड़ी हैवी किस्म की, क्योंकि बारिश का मौसम ऑलरेडी बना हुआ था, मौसम भी मजे का था और बारिश शुरू हो गया यार। ओए ओए ओए, मैं कहता हूँ चस आ गया, यकीन करो। अब देखते हैं कहाँ का सीन है, अभी जाकर बैठते हैं डिसाइड करते हैं, तो जहाँ का सीन होगा फिर इंशाल्लाह ताला आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। यार आप सब भाई बारिश इंजॉय करो, मुझे वो अपना ना लाला मूसा वाला टूर याद आ रहा है बारिश देख के।
जी हाँ गाइस, तो आपका भाई खाना वगैरह खा के आ चुका है अंदर से बाहर, अब्दुल्ला भाई भी आ चुके हैं। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी बहुत मजे का था जी, मजा आया। तो जी ये तो डन हो गया, चले आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, कहाँ का मुंह किया जाए, कहाँ का रुक अभी रहे? सोच रहे हैं हम, फेमस हमारा जो डक्की वाला दूध है वो पीते हैं चल के फिर। ठीक है हाँ, तो चलिए जी, जैसे कि अब्दुल्ला भाई अब कह रहे हैं कि दूध पीना है उन्होंने जाके डक्की का, तो वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर दुआ करें इस टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि वो 4 से 5 बजे स्टार्ट होता है। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30, 3:30 हो रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर चल के क्या सीन है। अब हमारी किस्मत जो किस्मत बिल्कुल है, देखते हैं क्या होता है। बाकी मौसम की सूरत हाल आप सबको मैं चेक करवा देता हूँ। हाँ जी छोटे, ठंडी हवा आ रही है, बड़ी मजा आया बारिश का। चलो बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता है गुजरात का, अल्लाह का शुक्र है बारिश अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई, वरना तकरीबन ये वो रोड है गुजरात का जहाँ पर आप डूब जाते हैं अक्सर अगर बारिश हो जाए। तकरीबन मोटरसाइकिल पूरी बीच में जाती है, अगर कभी इतफाक हुआ तो आपको दिखाऊंगा वो सीन भी गुजरात का। लेकिन फिलहाल A few moments later. जी हाँ जी, तो भाई आपका इस वक्त आ चुका है अब्दुल्ला भाई को लेकर दूध पीने। पहले आपको भाई क्या था वो अंदर डक्की की मेन शॉप पर, वहां पर गया तो शॉप बंद थी जिसकी वजह से ना हमें वो दूध नहीं मिल सका वहां से। उसके बाद फिर आपका भाई आ गए, आपको बैक साइड पर जगह नजर आ रही होगी। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये है कराची नसीब बिरयानी है सामने, वो सामने बिरयानी है, और ये पीछे आपको मेरे बैक साइड पे नजर आ रहा होगा सीन इसका। ठीक है, तो ये सीन है पीछे इसका, ये डक्की का दूध ही है कहते तो इसको भी डक्की का दूध ही है, यही सीन है इसका सारा। तकरीबन एक ही चीज़ है लेकिन टेस्ट में काफ़ी जमीन आसमान का फर्क है। तो बाकी आप चलते हैं जाकर दूध ट्राई करते हैं, और आपको फिर अब्दुल्ला भाई से रिव्यू वगैरह लेते हैं क्या सीन है इसका, उनको कैसा लगा है पीकर। बाकी चलिए चलते हैं। जी हाँ जी, तो दूध आपको फायदे ले रही है, ये पीछे आपको शॉप नजर आ रही होगी। तो बाकी इनका फर्स्ट टाइम मैं टेस्ट करने लगा हूँ, असल दुकान जो है वो जहाँ से मैं पहले पीता होता हूँ या ट्राई किया हुआ है वो अंदर है। ठीक है, तो आप इसको पीते हैं और आपके साथ रिव्यू शेयर करते हैं क्या सीन है इसका। अच्छा वैसे मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, ये गिम्बल का बड़ा फायदा, लोग बड़े सिसके देते हैं ऐसे देख रहे हैं ना भाई, ऐसे ऐसे फुल आपको इम्पोर्टेंस दी जाती है बहुत ज्यादा। लोग जबरदस्त उसके साथ कंपैरिजन नहीं है, मुकाबला नहीं है यार। तो बाकी चीज अच्छी है, बाकी पीते हैं। तो मेन रिव्यू तो लेना भूल ही गए अब्दुल्ला भाई से, उनसे पूछते हैं। हाँ जी अब्दुल्ला भाई, मैं आपको वही बता रहा था कि इसका ज्यादा मजा उस टाइम आता है जब गर्मी हो और सही शरीर गर्मी हो, फिर जब ये ठंडा पीने का मजा आता है ना, अभी ये वो मजा नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइम मजा आता था, लेकिन फिलहाल अभी ये बेहतरीन है। ठीक है जी हाँ गाइस, तो आप फिर इसको पीते हैं और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे इसके बाद। ठीक है, तो मैं भी हो सकता है हमारा आज का लास्ट वो क्या नाम है जगह, उसकी रीजन ये है क्योंकि अब्दुल्ला भाई को घर से कॉल आ गया है, किसी वजह से फैमिली बुला रही है, नहीं तो इन्हें जाना पड़ रहा है। तो मैं भी हो सकता है आज का हमारा आखिरी ट्रॉप हो, बाकी मिलते हैं इसको पीकर। A few moments later. जी हाँ जी, तो भाई आपका खाना वगैरह खा के आ चुका है, तो मुझे तो पर्सनली ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, जिसमें एक डक्की का दूध था और बनू बी फ्लाव मोस्ट फेवरेट चीज़ें और मोस्ट फेमस चीज़ें हैं गुजरात शहर। तो अब्दुल्ला भाई को ट्राई करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी मज़ा आया, पसंद आई हैं चीज़ें। तो एक और बात आपने आज नोट की होगी कि आज का व्लॉग जो था, सॉरी व्लॉग, टोटली अनप्लान था, कुछ प्लान नहीं था कि हमने ये करना नहीं। इंशाल्लाह अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि मैं आऊँगा इंशाल्लाह विद इन अ वीक और मिलकर काम शुरू करते हैं इस पर। इंशाल्लाह ताला मजीद आपको ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मैं भी जैसा मैं लेजी आदमी हूँ, हो सकता है कि अगला ब्लॉग अगेन इनके साथ हो। तो बाकी इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, प्रॉपर प्लान करके कॉन्टेंट बनाएंगे आपके लिए इंशाल्लाह ताला। बाकी अब्दुल्ला भाई बहुत मजा आया इंशाल्लाह ताला, होती है फिर मुलाकात है। अभी आप तो यहाँ बाइक लेके आएंगे, फिर आपका रिएक्शन वगैरह नोट करेंगे, अपने ब्लॉग में भी इनको लेना है, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ की मैं फूड ब्लॉगर हूँ। ठीक है,
ये जो है ये मल्टी व्लॉगर, मतलब इन्होंने मोटो व्लॉग भी करने हैं और फूड व्लॉग भी किया है, डेली व्लॉग मिलेगा। हाँ जी, चैनल डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो अगर दिल करे, दिल क्यों करे यार, मस्त जाओ, अगर मस्त जाओ, अच्छा लगे एक वीडियो एक ही बार चलता है ना भाई, आप देखेंगे तो पता चलेगा। मस्त जाओ, जाके इनके चैनल को विजिट करो, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, मस्त है। सेम चीज इसी चैनल के लिए भी, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द। सपोर्ट दिखाओ यार, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आप लोगों को मेहनत नजर आएगी हमारी एडिटिंग में और हम आपके लिए निकले हैं, तो फिर आपका भी मितकारा बनता है, आपको थोड़ा सा ना हमारे लिए करना पड़ेगा, सिर्फ एक करना है सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। तो चलो फिर दबा दो जल्दी से, निकलो अभी दबाओ, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जल्द से जल्द किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।